हे गाइस, दिस मी हसन एंड वेलकम टू माय चैनल हसन एकेडमी। तो आज हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग जीपेट के प्रिपरेशन को लेके। तो काफी बच्चे ने मुझे ये ईमेल किया था, कुछ दिन पहले ही किया था। मैं थोड़ा बिजी था, एग्जाम वगैरह था मेरा, तो वीडियो नहीं बना पाया कि सर क्या हम लोग केमिस्ट्री को इग्नोर कर दो, केमिस्ट्री काफी परेशान हो रहा है या फिर केमिस्ट्री मुझे नहीं आता, इस तरह की बातें। तो देखो, केमिस्ट्री सबके लिए इजी नहीं है, इस बात पे मैं भी एग्री हूँ। बट केमिस्ट्री को आप इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जीपेट पॉइंट ऑफ व्यू से केमिस्ट्री बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, सेम टाइम बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, इम्पोर्टेंट भी है। अब देखो, दो ही ऐसा सब्जेक्ट है जिससे 38 क्वेश्चन आ रहा है, पिछले कुछ सालों से यही ट्रेंड है। एक है फार्मास्यूटिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री, एंड इवन फार्माकोलॉजी में भी 30 आ रहा है, बट नॉट 38। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट दो सब्जेक्ट जो आपके लिए रहेगा जीपेट के लिए, वो रहेगा आपका फार्मास्यूटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो जो भी लोग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या फिर पूरा केमिस्ट्री पोर्शन को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। अगर आप ऐसा किया तो एग्जाम के बाद आप रिग्रेट फील करोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा रिग्रेट होगी। क्योंकि केमिस्ट्री से डेफिनेटली इस बार भी 38 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। मैं जब केमिस्ट्री बोल रहा हूँ, इसका मतलब जितना भी केमिस्ट्री पोर्शन है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो या फिर आपका बेसिक केमिस्ट्री हो गया, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया, वो सब मिला के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। 38 नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा, और फार्मास्यूटिक्स से भी 38 आएगा, फार्माकोलॉजी से 30 से लेके 32 तक या फिर मैक्सिमम 35 क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जो भी क्वेश्चन है वो सब, बाकी जितना रह गया है वो सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आपका कॉग्नोसिव में 10 क्वेश्चन आ जाएगा मैक्सिमम, और बाकी माइनर सब्जेक्ट में 10-15 जो भी रह गया है वो माइनर में आएगा। अब देखो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में अगर आपका रियली इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट आई मीन आपका कुछ प्रॉब्लम है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखो। मैंने यहाँ पे कुछ बातें ऐसे बोलूंगा जो आपको हेल्प कर जाएगा और जो आपको स्कोर करने में हेल्प करेगा। अब देखो, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से 38 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप 38 की आउट ऑफ 38 अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। बट यहाँ पे कुछ चीजें है जो आप थोड़ा बहुत स्मार्ट ऑफ कर लोगे तो 20 से लेकर 25 क्वेश्चन इजिली स्कोर कर सकते हो। उनमें से एक पार्ट है बेसिक केमिस्ट्री। तो बेसिक केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक रहता है, जस्ट 11-12 का लेवल का रहता है, ठीक है। कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है या फिर बेसिक है, इस तरह का क्वेश्चन भी आता है। इवन इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन भी आ जाता है, वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली देता है, हाइपर कंजुगेशन वो सब रिलेटेड देता है। तो उसको आपको इजिली फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा भी प्रैक्टिस करोगे ना तो आपका काम बन जाएगा, और एटलीस्ट 10-12 क्वेश्चन तो आप इजिली कर लोगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप पूरा केमिस्ट्री पोर्शन को इग्नोर मत करो। देखो, ज्यादातर बच्चे का प्रॉब्लम क्या रहता है केमिस्ट्री को इग्नोर करने का, या तो मेडिसिनल केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बहुत सारे सिंथेसिस वगैरह होता है वो देख के वो लोग डर जाते हैं। हालांकि वो मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर ही आता है, तो उसको वो काफी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उसको आप थोड़ा बहुत इग्नोर कर सकते हो। और एक बात मैं बोल दूं, जिनको भी मेडिसिनल केमिस्ट्री से सिर्फ प्रॉब्लम है उनके लिए इतना ज्यादा डरने का बात नहीं है, क्योंकि मेडिसिनल केमिस्ट्री से 4-5 या फिर मैक्सिमम 6 क्वेश्चन आएगा। 6 क्वेश्चन भी नहीं आएगा, 4-5 क्वेश्चन ही रहेगा। तो आप 4-5 क्वेश्चन अगर आप इग्नोर भी कर दोगे तब भी आपका इतना ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बट अगर आप इस 4-5 क्वेश्चन का डर से पूरा का पूरा इस सब्जेक्ट को ही इग्नोर कर रहे हो, देन यू विल रिग्रेट। तो इसी बात को आप ध्यान रखो कि आपको स्टडी किस तरह से करना है। सबसे पहले बेसिक केमिस्ट्री का जो भी पोर्शन है, आप सिलेबस के थ्रू जाओ, बेसिक केमिस्ट्री क्या क्या है वो सब क्लियर कर लो, ठीक है। बेसिक केमिस्ट्री एक बार बन गया, उसके बाद आप धीरे धीरे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पे जाने की कोशिश करो। वहां पे थोड़ा बहुत देखो कि क्या क्या है क्या नहीं, जो भी हमारा ड्रग का स्ट्रक्चर वगैरह है वहां पे जाओ। और उसके बाद जो हमारा मेन टफ पोर्शन हो जाता है बच्चे के लिए, या तो SAR स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप या फिर सिंथेसिस वगैरह थोड़ा टफ लगता है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, SAR 2-4 SAR जो पहले कुछ सालों में आ रहे हैं वहां पे आप सीखने का कोशिश करो। अगर आपसे नहीं बनता है SAR इग्नोर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2-1 क्वेश्चन ही रहेगा SAR से, बाकी सिंथेसिस से 1-2 क्वेश्चन रहेगा, वो तो वो भी आप चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। बट जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो आपका नेम रिएक्शन वगैरह है, वो सब इग्नोर मत करो। नेम रिएक्शन सिलेक्टिव होता है, और मैं काफी वीडियो ऑलरेडी नेम रिएक्शन 2-4 4-5 नेम रिएक्शन इस चैनल में है, और मैं एग्जाम से पहले ये सब चीजें दिखा दूंगा। तो अभी जरूरी है कि आपका माइंडसेट ऐसा रखो कि मैं ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पोर्शन को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ या फिर केमिस्ट्री को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि अभी से अगर माइंडसेट ऐसा रहेगा कि मैं इग्नोर कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे वीडियो बनाने में से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी
माइंडसेट ले लियो हो कि केमिस्ट्री को मुझे टच नहीं करना है, ठीक है। तो ये वीडियो बस उसके लिए है जो लोग केमिस्ट्री से डर रहे हो, केमिस्ट्री को इग्नोर मत करो। 38 नंबर ऑफ क्वेश्चन आने वाला है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप केमिस्ट्री से प्रॉब्लम रहे फिर भी 20-25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लायक आप इतना तो सीख ही लोगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हो। इस तरह का जो भी आपका प्रॉब्लम है आप मुझसे शेयर कर सकते हो, तो मैं धीरे धीरे इस तरह का वीडियो बना दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप शेयरिंग। बहुत लेट नाइट, इट इज ऑलमोस्ट 3 AM वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत नींद लग चुका है मुझे, तो इस चीजों को थोड़ा इग्नोर करो एंड जितना हो सके इतना वीडियो को शेयर करो। काफी मेहनत है ये सब वीडियो वगैरह बनाना, मैं खुद भी एस्पिरेंट हूँ। तो एनीवे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।